नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे, जो जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मिक्सी के बारे में। ये मिक्सर ग्राइंडर कहलाता है और इसमें बड़ी विशेष प्रकार की मोटर लगती है। तो दोस्तों, आप तो इसके बारे में वैसे भी जानते होंगे, ज्यादातर घरों में ये मिक्सर ग्राइंडर मिल जाता है। बट इसके बारे में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सीधा सर के पास जाते हैं और सर से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया इस मिक्सर ग्राइंडर के बारे में हमें बताएं। सर, देख सकते हैं आप, आपके सामने ये एक मिक्सर ग्राइंडर है जो घर के कामों में यूज होता है। और इसके अंदर अगर हम तकनीकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर स्पीड नॉब दिखाई दे रही है आपको। ये हाई स्पीड के लिए होता है, ये मीडियम के लिए और ये लो के लिए। और ये पुश स्विच होता है, या कुछ समय के लिए चला के देखा जाता है इससे। और यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक लाल नॉब निकल रही है पुश। ये होता है प्रोटेक्शन स्विच। जब ओवरलोड पे जब अधिक लोड हो जाता है या गर्म हो जाती है तो ये स्विच ओपन हो जाता है। तब हम इसको ठंडी करने के बाद या लोड कम करने के बाद इसको फिर से पुश करके इसको ऑन स्थिति में लेके आते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है। और यहाँ पर अंदर ये जाल जो दिख रहा है, यहाँ से एयर मोटर के अंदर आसानी से जाती है और उसको कूल करती है। ये रबर पेट है जिससे कि जब चलते समय ये हिले ना, ये अच्छी मजबूती से बैस इसका पकड़ लेता है ताकि कि ये हिले ना। और अगर हम बात करें इसकी मोटर की, तो इसके अंदर एक हाई स्पीड मोटर होती है। जो मोटर जो होती है हाई स्पीड होती है, अंदर लगी होती है। और इसमें हम नाम बताएं इसका तो यूनिवर्सल मोटर होती है। दोस्तों, हम मोटर पे आएंगे जब हम इसको जब ओपन करेंगे। इसके अंदर आपको एक विशेष प्रकार की, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही जिक्र किया था, कि बड़ी विशेष प्रकार की मोटर जिसका सर ने नाम बताया यूनिवर्सल मोटर इसमें लगी रहती है, जो कि सीधे लोड पर भी स्टार्ट हो जाती है। और सर, इसमें एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि काफी इसमें जालियां बनी हुई, जैसे कि ये दिख रहा है मेरे को जाली, यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ, इधर पे भी कुछ जालियां हैं, यहाँ पे भी आप ये देखिए एयर निकलने के लिए कुछ जगह है, और नीचे भी आपने बताया था, यानी इतनी इसमें आने क्या, ये इतना एयर निकलने के लिए इतनी सारी जगह क्यों दी? क्योंकि जब मोटर चलती है तो इसमें हीट भी जनरेट होती है, तो हवा इसके अंदर बहुत तेजी से निकल यहाँ से अंदर प्रवेश करती है, तो निकलने के लिए भी उसको वेंटिलेशन चाहिए। लेकिन ऐसा ज्यादातर मोटर्स में तो इतना नहीं देखा गया है कि इसमें इतना एयर निकलने के लिए रास्ते हैं, क्योंकि इसकी ये बहुत हजारों आरपीएम से चलती है, इसके आरपीएम अधिक होते हैं। और इसके अंदर जो गर्मी जो उत्पन्न होती है बहुत तेजी से भी होती है, क्योंकि आपको बताया गया है कि यूनिवर्सल मोटर, इसमें आर्मेचर होता है, फील्ड होती है, फील्ड काफी गर्म हो जाती है, आर्मेचर भी काफी गर्म होता है, और स्पार्किंग भी होती है। अच्छा। हाँ, जो कार्बन ब्रश लगे होते हैं उसमें स्पार्किंग अधिक होती है। अच्छा दोस्तों, आप कुछ शब्दों का जरा थोड़ा सा ध्यान देते रहिए कि सर ने जैसे कार्बन ब्रश के बारे में कहा है, मैं जानता हूँ आपको इसके बारे में जरूर कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, लेकिन ये शब्द आप पकड़ के रखिए, ताकि जब अगले वीडियो में जब हम मोटर के बारे में जब मोटर खोल के दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि हमने कार्बन ब्रश का जो अभी जो नाम ले रहे हैं वो कहाँ पर है, यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, इसके बारे में भी सर हमको बता रहे हैं, लेकिन उसके विशेषताओं के बारे में आपको जब मोटर जब दिखेगी उसके बाद उस समय बताएंगे। अच्छा, बाहर से अगर हम देखते हैं तो ये पूरा बैस होता है, इसके अंदर जो ये स्लॉट दिख रहा है, इसके अंदर जार लगा के हम इसको अच्छी मजबूती से फिट कर देते हैं। और ये कपलर है, कपलर जार में भी लगे रहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेल फीमेल होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, और ये मोटर के साथ कांटेक्ट बना के ये घुमा देता है इसको। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी मजबूती से इसको पकड़ा जाता है। और इसके लिए हमें पहले सावधानी यही रखी जाती है कि इसे खाली ना चलाते हुए लोड पे ही चलाना चाहिए। इसको लोड पे ही? हाँ, लोड पे चलाई जाती है, क्योंकि इस मोटर की स्पीड बहुत हाई होती है, स्टार्टिंग शुरू से ही बहुत तेज। हाँ, इसका टार्क भी बहुत अधिक होता है, और जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम पकड़ के भी करते हैं, इसे खाली अवस्था में नहीं चलाते, क्योंकि टार्क इतना अधिक रहता है, हो सकता है ये शुरू करते हुए ये हिल जाए या इधर उधर हो जाए। वैसे तो बनाए इसको ये बैस इसलिए मजबूत दिया है, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पे कोई मसाला या ढक्कन पे हाथ रख लेना चाहिए ताकि के इधर उधर फैले ना।
और सर इसमें क्या नॉर्मली फॉल्ट क्या आते हैं? नॉर्मली फॉल्ट जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि इसके अंदर आर्मेचर होते हैं और ब्रश होते हैं। कार्बन ब्रश जो अधिकतर क्या होता है, इसके अंदर कार्बन ब्रश का मेंटेनेंस करना ही होता है क्योंकि वो घिस ही जाते हैं। उसके अंदर आर्मेचर के अंदर और घर्षण होता है, उससे ब्रश काफी कट जाते हैं। समय समय पर उनका ध्यान देकर उसको चेंज कर दिया जाता है। और इसके अलावा के कपलर में भी कुछ? हाँ ये कभी कभी, हाँ कभी कभी क्या होता है कपलर ये अधिक इसके अंदर भी गर्मी उत्पन्न हो जाती तो ये चिपक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपस में जार का कपलर और ये कपलर मिलने से ये गर्मी से चिपक जाते हैं। तो ये टूट भी जाते हैं कभी कभी, गलती गलत लगा देने से टूट जाते हैं या स्लिप हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, तो इसको चेंज करना होता है। तो सर इसको क्या चालू करके दिखाएंगे? बिल्कुल आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए वैसे भी कि हमने कहा है कि इसको पकड़ लेना चाहिए, ये अभी लो पे है, ये जैसे ये आप देख सकते हैं स्पीड ये और तेज होती है, ये और यहाँ पर हाई स्पीड होती है इसके, सबसे मैक्सिमम चलता है। सर एक बार फिर बता देंगे आप, सिर्फ आवाज करे बिना आप फिर बता सकते हैं क्या क्या स्पीड्स होते हैं करके? सबसे पहले यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये नॉफ रोटरी स्विच जो है, पहला लो लेवल अगर हम कहें तो बिल्कुल स्लो चलता है यहाँ पर, फिर उससे ज्यादा चलता है जिसे हम मीडियम कहते हैं, और सबसे अधिक जो आरपीएम होते हैं या हाई स्पीड पे मिलते हैं। ये ऑफ कंडीशन होती है, ये पुश ऑन स्विच होता है जिससे हम पुश करके कुछ समय के लिए मोटर को चला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने मिक्सर ग्राइंडर के बारे में कुछ थोड़ी सी तकनीकी बातें जानी है, कुछ नए नए शब्द भी आपको सुनने के लिए मिले हैं, आर्मेचर, कार्बन ब्रश, यूनिवर्सल मोटर, ये सब चीजों के बारे में आप लगातार ये शब्द आगे भी सुनते जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको अगले ही वीडियो में ये सब देखने को भी मिलेगा। तो अभी केवल इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।